हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं एडवोकेट नवीन अंतिल। तो भाई, आज का जो व्लॉग है वो और कुछ नहीं, एक नया फोन लिया तो उसकी अनबॉक्सिंग करूंगा मैं। तो आपको ही दिखाऊंगा कि मैंने कौन सा फोन लिया है। तो भाई, दो दिन पहले मेरे पास सैमसंग का S8 प्लस था, जो कि नीचे गिर गया और टूट गया, थोड़ा सा साइड से क्रैक हो गया। तो मुझे लगा कि यार चलो, बहुत दिन हो गए थे, 1.5 साल हो चुके थे एक ही फोन को यूज करते करते, तो मुझे लगा कि अब नया लेना चाहिए। तो मैंने अभी नया फोन लिया है, तो आज मैं उसकी अनबॉक्सिंग करूंगा। ऑलरेडी अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ, वहीं दुकान से लिया था, तो वहीं से ओपन करके और जो सिम है वो एक्टिवेट करवा के, और साथ की साथ उसमें मुझे कैशबैक भी मिला है। तो वो भी बताऊंगा कि कितना कैशबैक मिला है और कैसे मिला है। तो जो शॉप ओनर थे उसने बहुत ज्यादा हेल्प की और 1000-2000 रुपये मेरे बचवा भी दिए, और कैसे बचवाए वो भी आपको बताऊंगा। और गैस करो कि आप कि मैंने कौन सा फोन लिया है। और तो चलो, मैं आपको है ना पहले अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। ऑलरेडी कर चुका हूँ लेकिन आपके सामने दोबारा करूंगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये बॉक्स है भाई, और इसमें मैंने ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ। तो इसमें मैंने भाई चार्जर दोबारा बॉक्स में डालने की कोशिश करी, डाटा केबल, लेकिन हुआ नहीं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बॉक्स दिखाता हूँ। ये है S10 लाइट लिया मैंने, 512 GB इसकी इंटरनल मेमोरी है, और भाई चार्जर मैंने ऑलरेडी अलग कर दिया था। यो सुपर फास्ट चार्जर आया, इसके साथ ही अडैप्टर है, और यह भाई डाटा केबल शायद टाइप सी होगी। तो यो था, अभी बात कर लेते हैं फोन की। तो भाई बॉक्स में मेरे पास एक तो इसका 7 कवर आया था, और यो मैंने दोबारा डाल लिया फिलहाल। तो हाँ, ये कवर आया, ओरिजिनल कवर आया है इसके साथ सैमसंग का ही। पर यार ये वो बेशक कितना ही बढ़िया कवर दे ले, ये जो ये ट्रांसपेरेंट कवर है ना, ये येलो पड़ ही जावे है, ज़्यादा नहीं थे 1-2 महीने में। लेकिन मैं नया कवर मंगवाऊंगा अमेजोन से, पसंद आया हुआ है मुझे एक कवर, उसकी जो कीमत है उसकी 1200 रुपये कीमत है, तो वही मंगवाऊँगा मैं फ़ोन की सेफ्टी के लिए, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं फ़ोन की। तो ये फ़ोन है भाई, ऑलरेडी मैं इसमें जो सैमसंग स्मार्ट स्विच है ना, एक ऐप आया करे तो सैमसंग का ही है। तो अगर जो भी मेरे फ़ोन में S8 प्लस में 100 GB डाटा था, और इसमें भी मैंने डाउनलोड कर लिया था वही सैमसंग स्मार्ट स्विच, तो 50 मिनट में 100 GB डाटा मेरे इस फ़ोन में एज इट इज जो उसमें था ना, सेम टू सेम इसमें आ गया, वही फ़ोटो सारा सब कुछ। और जो इसमें जो डिस्प्ले थी ना वो भी उसी, मतलब जो फ़ोन उस S8 प्लस में लग रही थी ना वो इसमें लग गई। अभी बात कर लेते हैं कितने का यार इसके साथ भैया लीड आई है। लीड दिखाता हूँ पहले आपको, 1 kg लीड बोलते हूँ इसे। इसने पर भाई एक ही आए हैं इसके लीड के, या लीड है भाई, वाह, मतलब देखने में तो मतलब मस्त लगा है भाई। बाकी मैं इसी लीड को कम ही यूज़ करूँगा, ईयरबड्स मंगवाऊँगा अपने लिए अलग से, तो वही यूज़ करूँगा इस लीड में। यार चलो, आवाज़ बहुत बेस्ट है इसकी, लीड शायद इसकी 6-6.5 हज़ार रुपये की आवे, या 1 kg ओरिजिनल लेवे हैं तो फ्लिपकार्ट पे तो नरा नकली सामान आवा भाई। अगर कोई सोचता ना 1 kg लीड 300-400 रुपये में आ जाए फ्लिपकार्ट पे, तो नकली आवा भाई, ओरिजिनल एक बार सैमसंग केयर में ले कर देखियो तब पता लगेगा। तो ये थी लीड भाई। और यो फ़ोन मैं आपने बता दूं, यो फ़ोन है ना वैसे तो 48,000 रुपये का है, तो इसमें 5,000 रुपये कैश बैक था, लेकिन इस फ़ोन पर नहीं था 5,000 रुपये कैश बैक। मुझे लगा जब मैं गया, बाकी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि भाई भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो अपनी सेफ्टी ज़रूरी थी, तो मैं वीडियो नहीं बना पाया वहाँ पर, और ना ही मुझे लगा कि वीडियो बनानी चाहिए। लेकिन अभी आपको सारी बात बता दूँगा कि कैसे मुझे क्या पड़ा। तो इसमें है ना HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड पर 5,000 रुपये की कैश बैक की सोच रहा था, लेकिन इस फ़ोन पे नहीं था, वो सारा ICIC क्रेडिट कार्ड था जिस पर 5,000 रुपये कैश बैक था इस फ़ोन पर, लेकिन HDFC पर नहीं था। और मेरे पास जो क्रेडिट कार्ड था वो था HDFC बैंक का। तो भाई मुझे लगा कि अब क्या करूँ, समझ में नहीं आया। 1+8 सोच ली फिर लेने की, पर भाई उसने जो शॉप ओनर था वो मेरा जान पहचान का था, तो उसने थोड़ा सॉल्यूशन कराया। जो सैमसंग का S20 लेना था किसी ने, तो क्या हुआ ना कि 56,000 रुपये का उस पर स्वैप करवा दिया,
उसमें 6,000 रुपये कैशबैक भी था, लेकिन मेरा फ़ोन तो था 48,000 रुपये का। तो अभी क्या हुआ ना, 56,000 का स्वैप करवा दिया मैंने, उसने मेरे 8,000 रुपये तो कैश दे दिए। ठीक है, S20 सैमसंग का S20 वो करवाया था उसने स्वाइप मेरे क्रेडिट कार्ड पे, लेकिन 56,000 रुपये में क्या 8,000 मेरे को कैश दे दिए, और जो 48,000 रुपये उसमें अगर 6,000 मुझे कैशबैक भी मिल जाएगा। मतलब देख लो कि ते 1 रुपया भी कैशबैक ना था ले, और मुन्ने इसमें 6,000 रुपये कैशबैक मिल गया उसकी हेल्प है जो शॉप ओनर था। तो भाई बड़ी हेल्प करी उसने मेरी, तो आगे कभी कोर्ट में होगा तो उसकी भी हेल्प करेंगे भाई, हमारे पर जो बनेगा वो जरूर करेंगे उस भाई का, तो सही है। और इसमें भाई देख क्या लुक है इसकी बैक साइड से, एक सेकेंड। और भाई इसमें है ना 512 GB इंटरनल मेमोरी है, और इस वजह से चाहिए था 512 GB वाला मुझे, क्योंकि जो YouTube की जो वीडियो बना हूं ना, मैं वो एक वीडियो 10 10 12 12 15 15 GB तक की भी बना है, तो मतलब और उसमें है ना फिर मैंने दिक्कत आवे है इसमें, फोन में जो भी वीडियो मैं डालूं फिर बाद में वो डिलीट करनी पड़े, फिर दूसरी डाल फिर अपलोड करूं, क्योंकि अभी चैम्बर में मैं जाता नहीं तो घर से ही अपलोड करनी पड़े, मोबाइल से ही अपलोड कर दिया करूं सारी वीडियो। तो ये मोबाइल था भाई, और अभी चला के देखा है, एक दिन हुआ है कल, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और 8 GB रैम है इसकी, और भाई कैमरे तो 3 दे रखे हैं, लेकिन वही बात है क्योंकि यार वीडियो, यार वीडियो क्वालिटी तो मतलब लाजवाब है। और अब अभी कभी है ना मेरे पास कैमरा नहीं हुआ और मुझे वीडियो बनानी पड़ी, तो मैं इस मोबाइल से आराम से बना सकता हूँ। और जो इसका प्राइस है ना लगभग, वैसे तो 48,000 का था, 6,000 कैश पे, तो मुझे तो ये 42,000 42,000 रुपये का ही पड़ा है, और मैं यार बड़ा खुश हूँ क्योंकि 1.5 साल में मोबाइल बदला भाई, उससे पहले भी मैं कई बार बदल लिया था। सबसे जो लंबा चलने वाला मोबाइल था वो था मेरा पिछला सैमसंग S8 Plus, नया नहीं तो मैं हर 6 महीने में 4 5 महीने में मोबाइल बदल दिया करता, लेकिन अब नहीं बदलता भाई, क्योंकि मोबाइल का ना कति मीठा टोटा, मतलब मीठा डंड है एक तरह से। तो बस अभी इसको 1 2 साल चलाएंगे, उसके बाद देखेंगे। अभी इसका कवर और मंगवाना है, अभी 1 हफ्ते के अंदर अंदर आ जाएगा कवर भी इसका, उस कवर की भी अनबॉक्सिंग करूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही, कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ किसी दूसरी वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।